को मिल रही है 2018 मॉडल 1 लाख रुपए में, और चली भी कम है, 14-15 हज़ार किलोमीटर चली है। उन्होंने पूछा है, भैया जी एक बात पूछनी थी, स्प्लेंडर बढ़िया है या एक्टिवा? तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी पहुंच चुका हूं मैं कुछ इस तरह की गलियों में अपनी TVS जुपिटर को लेके। अब यार 6 बजे भी कितना ज़्यादा उजाला रहता है, धूप रहती है हल्की हल्की, तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है गर्मियों की। कितना भी लेट निकलो आपको उजाला मिल जाता है वीडियोस बनाने के लिए। और आज की वीडियो में करेंगे हम इस हफ्ते का वीकली Q&A। आज वैसे संडे है, ज़्यादातर मैं Q&A फ्राइडे सैटरडे करता हूँ, लेकिन आज संडे को कर रहा हूँ। संडे के दिन यार घूमने का मज़ा ही अलग है, ऐसा मज़ा किसी और दिन नहीं आता, क्योंकि इस दिन कोई काम नहीं होता, आराम से फ्री माइंड होके इंसान घूम सकता है कहीं भी। बाकी और दिन तो काम होते हैं, और संडे की वाइब्स भी थोड़ी अलग रहती है। ये देख लो नैनो पंजाब नंबर, ब्लैक बम्पर के साथ यार कितनी ज़्यादा बेकार लगती है, नकली सी लगती है नैनो। बॉडी कलर बम्पर के साथ तो फिर भी ठीक लगती है कार जैसी। और आजकल दिल्ली का मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रखा है, कल इतनी तेज बारिश हुई थी। कल मैं अपनी नैनो की विंडशील्ड चेंज करवाने गया था तो पूरी भीग गई थी बारिश में, उसने कहा था 2 दिन तक धोना मत इसे। अभी वैसे घर पे खड़ी है वो, आज मैंने दिखाई नहीं, पर लीकेज तो हुई नहीं थी। अब देखते हैं, 2 दिन बाद ही दिखाऊंगा जब सूख जाएगी पूरी अच्छे से। उसमें जो सोल्यूशन डालते हैं ना वो ब्लैक कलर का, उसको 24 घंटे लगते हैं सूखने के लिए, या 2 दिन मान लो। तो अब जब वो सूख जाएगा ढंग से तभी निकालूंगा गाड़ी। वो देख लो सामने MG की कॉमेट, ये देखो कैसी लगती है चलते हुए, नैनो से भी छोटी है यार ये तो। और इसके जो लुक्स हैं वो भी नैनो से बेकार है, नैनो तो इससे ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में। लेकिन इलेक्ट्रिक है ये कार तो चलाने में मज़ा तो आता होगा, पावर ज़्यादा है इसकी नैनो से, ये लगा लो नैनो की डबल पावर है इसमें। अब तो यार मेरा एक स्प्लेंडर लेने का मन है, एक बार तेल डलाओ 1200-1300 रुपये का और फिर भूल जाओ। तेल डलवा डलवा के मैं परेशान हो चुका हूँ नैनो में, कभी स्कूटी में। नैनो तो 14-15 का माइलेज देती है, कभी कभी 15 से भी कम दे देती है, 14 से भी कम दे देती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना Q&A पहले कमेंट से। पहला कमेंट लिया है मैंने कुशाल व्लॉग्स जी का, उन्होंने पूछा है भैया जी एक बात पूछनी थी, स्प्लेंडर बढ़िया है या एक्टिवा? तो वैसे बढ़िया तो दोनों ही है, स्प्लेंडर भी बढ़िया है एक्टिवा भी बढ़िया है। अब आपकी ज़रूरत क्या है उस हिसाब से लो। अगर आपको सामान रखने की जगह ज़्यादा चाहिए, जैसे स्कूटियों में सामान रखने की जगह होती है पैर के पास डिक्की में, अगर ऐसा सिस्टम चाहिए तब एक्टिवा ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि स्प्लेंडर में तो जगह होती नहीं है सामान रखने की। और अगर आपको माइलेज अच्छी चाहिए, मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए ना के बराबर, तो स्प्लेंडर ज़्यादा बढ़िया रहेगी। स्प्लेंडर की माइलेज एक्टिवा से डबल है, एक्टिवा आपको देगी 45 तक की माइलेज, 40-45 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 अगर ज़्यादा ही प्यार से चला लोगे। वहीं स्प्लेंडर को आप ज़्यादा प्यार से चलाओगे तो वो 65-70 की भी दे देती है, और एकदम ही घसीट के चलाओगे तब भी 60 तक की माइलेज तो दे ही देती है। तो इसीलिए माइलेज के मामले में तो स्प्लेंडर को कोई सी भी स्कूटी कभी भी नहीं हरा सकती। तो उस हिसाब से लेना आपको क्या ज़्यादा चाहिए। अगर आपको ये चाहिए कि एक बार मैं टैंक फुल कराऊं और फिर भूल जाऊं कि पेट्रोल भी डलवाना है, तो स्प्लेंडर सही रहेगी। और अगर आपको ऐसा चाहिए, मेरे को सामान वामान भी ले जाना होता है इधर उधर, सामान रखने की जगह चाहिए, कम्फर्ट चाहिए, तब स्कूटी लेना एक्टिवा। और यार टाटा नैनो से रिलेटेड भी ना बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं। ये देख लो मिनी कूपर क्या बढ़िया लग रही है, स्विफ्ट जैसी, मतलब स्विफ्ट से थोड़ी तगड़ी लग रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है स्विफ्ट से। तो टाटा नैनो से पहला कमेंट लेते हैं T2 फौजदार जी का। उन्होंने लिखा है, भाई मैं 25,000 किलोमीटर रनिंग नैनो ले रहा हूँ, वो भी बिना AC के, तो आपके हिसाब से कितने में लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए बिना AC की नैनो, क्योंकि फिर कार लेने का फ़ायदा ही क्या है जब उसमें AC नहीं होगा, और बिना AC की नैनो की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो स्क्रैप के हिसाब से बिकेगी कूड़े के भाव में। पहली बात, AC वाली नैनो की वैल्यू इतनी कम है, और ऊपर से आप बिना AC की ले रहे हो, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है लेना। इससे बढ़िया थोड़ा और ढूंढो, AC वाली लो, AC वाली नैनो लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और बहुत सारे लोगों को तो यार क्या बढ़िया बढ़िया नैनो मिल रही है, कमेंट आ रखे हैं ना बहुत सारे नैनो के,
एक मैंने पढ़ा था उनको मिल रही है 2018 मॉडल 1,00,000 रुपए में, और चली भी कम है, 14,000-15,000 किलोमीटर चली है, और मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड ओनर होगी। तो 2018 मॉडल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, 1,00,000 रुपए में दिल्ली में नहीं मिलता जल्दी से। 2018 मतलब ये लगा लो मेरी स्कूटी से 1 साल बड़ी होगी वो नैनो। मेरी स्कूटी 4 साल की है तो वो 5 साल की होगी, अभी उसके 10 साल बचे हैं, और 10 साल बची हुई कार मिल रही है आपको 1,00,000 रुपए में, तो बहुत ही बढ़िया। उसकी डिक्की भी खुलती है, उसमें म्यूज़िक सिस्टम भी आता है कंपनी से, पावर स्टीयरिंग आता है, पावर विंडोज़ आती है, बहुत सारे फीचर ऐड कर दिए थे उसके बाद तो। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी उसकी 24 लीटर की है, मेरी वाली नैनो की 15 लीटर की है, लेकिन आगे जाके उन्होंने फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दी थी, 24 लीटर कर दी थी, तो 24 लीटर बढ़िया रहती है, 15 लीटर ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है किसी भी कार के लिए। मेरे को हर हफ्ते तेल डलवाना पड़ता है 15 लीटर के चक्कर में। तो अगर आपको भी ऐसी नैनो मिलती है ऐसे प्राइस में तो फटाफट खरीद लिया करो। 1,00,000 रुपए में क्या आता है, 1,00,000 रुपए में अल्टो लोगे ना वो भी ऐसी आएगी जिसका 1 साल बचा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बचे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बचा होगा, और उतने में आपको नैनो मिल रही है जिसके 10 साल बचे हैं। बताओ कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। यहाँ पे देखो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, ये वाली रेड लाइट लोग तोड़ देते हैं ना अक्सर, बहुत कम लोग रुकते हैं इस वाली रेड लाइट पे, अब तो रुकने लग गए हैं ज़्यादा क्योंकि डेली पुलिस वाले खड़े रहते हैं आगे। मैं तो 1 महीने से डेली देख रहा हूँ, पहले तो कभी कभी खड़े होते थे, ज़्यादातर खड़े नहीं रहते थे, लेकिन अब डेली खड़े रहते हैं। और एक भाई ने लिख रखा है, भाई मुझे नैनो मिल रही है 1,00,000 में, पार्ट्स मिलेंगे क्या इसके? तो हाँ यार, पार्ट्स मिल जाते हैं इसके हर जगह। अब जैसे मेरे को विंडशील्ड चेंज करानी थी ना, विंडशील्ड तो हर जगह ही मिल रही थी, कोई भी दुकान वाला मना ही नहीं कर रहा था विंडशील्ड के लिए, लेकिन हाँ जो वैसे पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा ढूंढना पड़ता है, घर के आसपास नहीं मिल पाएंगे, कभी कभी मिल भी जाएंगे, और वो जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कैसी जगह रहते हो, पर मिल जाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं है अभी के टाइम तो पार्ट्स में। और अगर ना भी मिले तो आप boodmo.com से मंगा सकते हो, उनके पास तो सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं टाटा नैनो के, लेकिन हाँ ऑफलाइन से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा boodmo.com से, ऊपर से उसमें डिलीवरी चार्ज भी लगता है अगर आप 5,000 रुपये से कम की शॉपिंग करते हो तो। तो आने वाले 5-10 साल के लिए तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि पार्ट्स नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे हर जगह, हर जगह तो नहीं पर मिल जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और एक भाई ने लिख रखा है, हेलो ब्रो आप बिगनर कार ड्राइविंग सीरीज स्टार्ट कर दो, तो ये भी स्टार्ट करूँगा जल्दी। स्टार्ट क्या करूँगा, 1 हफ्ते की वीडियो बनाऊँगा, 7 वीडियो जिसमें मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, तो बनाऊँगा अब 1-2 हफ्ते में ये वाली वीडियो, मतलब सीरीज 1 हफ्ते की, कार चलाना सीखे सिर्फ 1 हफ्ते में, वो भी बिना किसी ड्राइविंग स्कूल के। अब लास्ट कमेंट और ले लेते हैं आज का, द राइडर डॉन जी का, उन्होंने लिखा है आप कंटिन्यूस बोल कैसे लेते हो, उन्होंने लिखा है भैया आप कंटिन्यू बोल कैसे लेते हो, तो लगातार मैं ऐसे बोल लेता हूँ क्योंकि मेरे को आदत हो चुकी है 1 साल की 1.5 साल की 2 साल की लगातार बोलने की, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं बोल पाता मैं लगातार, तो मैं थोड़ा रुक रुक के बोल लेता हूँ, जैसे मैंने थोड़ा सा बोला फिर चुप हो जाऊँगा, फिर थोड़ा सा सोचूंगा फिर बोलने लग जाऊँगा, तो उसमें नेचुरल सा भी लगता है और आप लगातार बोल भी पाते हो, दोनों चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे मैं सीख गया हूँ लगातार बोलना, पहले नहीं आता था मेरे को, पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा अटक अटक के बोला करता था वीडियोज़ में अपनी, लेकिन अब मैं बोल लेता हूँ थोड़ा लगातार सा। तो बस इस Q&A को इतना ही रखते हैं और इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं, अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।